डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे आई थिंक, एंड आई विश। आज हम लोग स्टडी करेंगे 10th स्टैंडर्ड के रिफ्रैक्शन को। और चूंकि रिफ्रैक्शन उस दिन हम लोग पढ़ चुके थे, टोटल मैं रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दे चुका था, सो हम लोग आज एक काम करते हैं, पहले रिफ्रैक्शन की एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर से, फिर आगे की हेडिंग्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, आपको बता चुके हैं। एक्चुअली जब कोई लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम से किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है, तो वो अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है ना। इसी हैपनिंग को हम लोग ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये देख लें आप इसका फिगर, क्या चीज, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, इट्स डेविएट्स। देखिए ये रे आ रही है, ये डेविएट हो गई है, इधर आ गई है या फिर उधर चली गई है, ठीक है। डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। एट द सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ मीडियाज, कहाँ पर ये डेविएशन हो रहा है, जहाँ पर दोनों मीडियम्स एक दूसरे से क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, ठीक है ना। इसी हैपनिंग को क्या बोलते हैं हम बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या बनी डेफिनेशन, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम एट द सर्फेस ऑफ सेपरेशन डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, दिस हैपनिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। एंड नाउ अब हम लोग आज इस क्लास में क्या आगे स्टडी करेंगे, एक्चुअली हम लोग को कॉन्सेप्चुअल तरीके से रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, कैसे नहीं कि बस डेफिनेशन बताए उसके बाद आगे बढ़ गए, तो कॉन्सेप्चुअल वे में हम लोग को पढ़ना है एक तरीके से रिफ्रैक्शन को। तो हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो एक्टिविटी क्या होगी, हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे लेकिन रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म से, ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, ओके। तो आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने पूरा एक जो है मटेरियल यहाँ बना दिया बोर्ड पर, केवल हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है ना, चूंकि वरना टाइम वेस्ट होता आपका वीडियो में। तो हम लोग आज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्या स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन को स्टडी करेंगे या कोशिश करेंगे उसको समझने की, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपसे कहने चल रहे हैं। क्या करेंगे सबसे पहले कि हम लोग एक वुडन बोर्ड ले लेंगे, वुडन बोर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि आप एक मेज ले लें, टेबल ले लें, ठीक है ना बेटा। और वुडन बोर्ड को ले करके आप उस पर एक वाइट पेपर क्या कर दें, चिपका दें, ठीक है। वुडन बोर्ड को लें और उस पर क्या चिपका दें, वाइट पेपर। आप ये मान सकते हैं दिस बोर्ड इज अ वुडन बोर्ड, ओके। एंड इस बोर्ड पर ये जो बोर्ड व्हाइट कलर का है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, समझ लीजिए मैंने उस पर एक पेपर चिपकाया हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पर, क्लियर। इस व्हाइट बोर्ड पर हमने क्या चिपका दिया है, पेपर, यानी ये जो व्हाइट बोर्ड है ये पेपर लगा हुआ व्हाइट कलर का, ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी, इट टेक अ वुडन बोर्ड एंड फिक्स अ सीट ऑफ पेपर ऑन दिस बोर्ड, ओके। नाउ आई थिंक आप समझ चुके होंगे, या फिर आप कहें तो एक बार हम ऐसे करके दिखा दें, ये हमारा बोर्ड है बेटा, ठीक है ना, ये एक बोर्ड है या फिर एक टेबल है, इस पर हमने व्हाइट कलर का पेपर लगा दिया, एनी प्रॉब्लम टू एनी बेटी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम आपको बता रहे हैं, अब आपको करना क्या चीज़ है, अब एक काम करें, जो व्हाइट कलर का आप पेपर लगाए हैं बेटा इस पर, इसके मिडिल में, ठीक है ना, यानी इस टेबल के ऊपर व्हाइट कलर का पेपर, इसके मिडिल में आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दें। ऐसे मान लीजिए मैंने रख दिया, ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेक्टेंगल ही है, अप्रॉक्स रेक्टेंगल ही है, इसको ऐसे रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही रख दिया, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रख देते हैं, फिर इसकी बाउंड्री, ठीक है ना, जैसे ये देखिए मैंने इस ग्लास स्लैब को उठा के ऐसे बोर्ड पर रख दिया, ठीक है ना, और जब मैंने इसको ऐसे रख दिया बेटा, ऐसे रख दिया, तो इसकी ऐसे बाउंड्री ड्रा कर दी, ठीक है ना, ऐसे इसकी बाउंड्री ड्रा कर दी, ये देखें एक बाउंड्री ड्रा कर दी, ए बी सी डी। क्यों आपने सर बाउंड्री ड्रा की, बाउंड्री ड्रा करने के पीछे का फैक्ट ये था माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि ग्लास स्लैब अपने स्थान से क्या ना हो, अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना हो, बिल्कुल ओके, डिस्प्लेस हो तो हम उसको सही कर सकें। तो रख करके ग्लास स्लैब को इस पर प्लेस करके बेटा हमने क्या कर दिया, एक बाउंड्री ड्रा कर दी ए बी सी डी, और एक शार्प पेंसिल से बिल्कुल क्लियर क्लियर, बिल्कुल भी इधर उधर डेविएशन ना हो ग्लास स्लैब में, ये हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग एक काम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्लास स्लैब मैंने पुट किया है यहाँ पर, इस ग्लास स्लैब का जरा ऊपर देखिए, ये जो ए बी वाला सरफेस है, ये जो हमारी ए बी वाली सरफेस है बेटा, ठीक है ना। तो करते क्या चीज़ें हम इस चीज़ को, कि जो हमारा
ए बी है, इसी ए बी के अपवर्ड ऊपर की ओर एक मैंने पिन लगा दी, ये ऐसे लगाऊंगा पिन जैसे आपको दिखा रहा हूं मैं, इसी तरीके से पिन लगाऊंगा अपराइट साइड में, ओके। अब चूंकि बोर्ड है ये 2D है इसलिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है, लेकिन हमने पिन को ऐसे लगा दिया है, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। ये मैंने पिन लगा दिया, फिक्स कर दिया बोर्ड पे, और एक और दूसरी पिन क्यू जो है, दोनों सिंपल कॉमन पिन्स हैं, मैंने इसको ऐसे ही दो पिन्स मैंने सेट कर दिए, एक ये और एक ये, देयर इज टू पिन सेट अपवर्ड साइड ऑफ द एबी, एबी के अपवर्ड साइड में मैंने लगा दी इस चीज को। आप क्या करते हैं, लेकिन एक चीज कोशिश करिएगा कि पी एंड क्यू के बीच जो डिस्टेंस हो बेटा, ऐसा आप कोशिश करिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू मस्ट बी नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कम से कम हो, या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जब आपने दोनों पिन्स को यहां पर क्या किया, अटैच किया। नाउ अब क्या करना है, अब एक काम कर, जैसे आप ये देखिए मैंने यहाँ पर एक आई लगाया हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये आपका ही आई है, ऑब्जर्वर का आई है, आप यहाँ पर आई को लगाएं और अपने आई को ऐसे सेट करें कि दोनों पिंस बिल्कुल एक दूसरे के किस में दिखाई दे बेटा, अलाइन में दिखाई दे, सीध में दिखाई दे, दोनों पिंस ऐसे, दोनों पिंस मतलब आप कोशिश करें अगर समझने की, तो ये ऐसा भी, ये हमने P एंड Q मतलब दोनों पिंस ऐसे दिखाई दे कि एक लाइन में दिखाई दे, अलग अलग लाइन में दोनों पिंस दिखाई ना दे, ठीक है ना। एक लाइन में दिखने का मतलब अगर ऐसे रखा जाए, ऐसे ए, एक लाइन का मतलब ये है, अब बस समझ जाएं, ये है ऐसे रख दूं, समझ गए ना, एक लाइन, एक लाइन का मतलब कि ब्लैक, अगर हम एक लाइन में देखें मतलब ये जो ब्लैक वाली कलम है इसके इसके कारण ब्लू वाली ना दिखाई दे, एक लाइन का मतलब ये हुआ, मतलब ऐसे देखूं ऐसे, ठीक है ना, हमें ब्लू वाली ना दिखाई दे केवल ब्लैक वाली दिखाई दे, एक लाइन का मतलब ये है। तो आप नीचे अपनी आई को ऐसा फिक्स करेंगे क्या कि आपको पी एंड क्यू दोनों एक एक लाइन में दिखाई देंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, जब आपको दोनों अलाइन में दिखने लगे तो आपकी आईज यहां पर है, आप दो और पिन ले लें आर एंड क्या बेटा एस, इनको ऐसा फिक्स करें कि अब आपको पी क्यू आर एंड एस चारों कैसी दिखाई दे, एक लाइन में दिखाई दे, चारों एक लाइन में दिखाई देने का मतलब पी क्यू आर एंड क्या बेटा एस, ये चारों आपको एक लाइन में दिखाई दे, वो जब आप अपनी आईज यहां पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि चारों आपको कैसे लाइन में दिखाई देगी, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी, मतलब क्या कहते हैं, लुकिंग फ्रॉम द साइड, ठीक है, लुकिंग फ्रॉम द साइड सी डी, आप साइड सी डी की ओर से देखेंगे एंड क्या करेंगे, दो अदर पिन यहां फिक्स कर देंगे आर एंड किसको बेटा एस को, इस तरीके से फिक्स करेंगे ये जो आर एंड एस पिन्स है बेटा, और पी एंड क्यू को जब आप देख रहे होंगे किससे, अपनी आई से, तो एक्चुअल में हम पी क्यू को तो देखते नहीं है, एक्चुअल में हम पी एंड क्यू के इमेज को देखते हैं बेटा, पी एंड क्यू के किसको देखते हैं, इमेज को, दैट मीन टू से दैट द इमेज ऑफ द पिन्स पी एंड क्यू एंड आर एंड एस, दीज फोर पिन्स आर, दीज फोर पिन्स आर सीन थ्रू द ग्लास स्लैब, जब ग्लास स्लैब से हम देखें पी क्यू को एंड आर एंड किसको बेटा एस को, ये सेम स्ट्रेट लाइन में सो हूं, चारों एक ही लाइन में हमको क्या हो बेटा दिखाई दें, बिल्कुल एक लाइन में पी क्यू आर एंड क्या बेटा एस, इस तरीके से हमने किया, ठीक है ना। अब आप इतना तो जानते हैं जब ग्लास स्लैब्स के यहां पर हम लोग अपनी आईज को फिक्स करते हैं, देन हम पी एंड क्यू को कैन नॉट सी, इसको नहीं देख सकते, हम इनके इमेज को देखते हैं, जब हम इनके इमेज को देखते हैं तो क्या हुआ पी क्यू, अब पी क्यू फिर हमने आर फिक्स कर दिया और एस फिक्स कर दिया, और चारों को हमने कैसे एज अ सेम लाइन एक ही लाइन में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या चीज हुआ, ये सारी चीजों को करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अब हम वन बाय वन पी क्यू आर एंड एस वन बाय वन हम सारे को क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे सारे को। पहले हम पी को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद इसी पिन के पॉइंट पर एक छोटा सा क्या बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, क्यू को रिमूव करते हैं तो क्यू के पॉइंट पर एक छोटा सा क्या बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं। फिर हम आर को रिमूव करते हैं तो आर के पिन पॉइंट्स पर एक छोटा सा सर्किल। फिर एस को रिमूव करते हैं तो एस पर भी एक छोटा सा क्या बना देते हैं, सर्किल, ठीक है ना। तो रिमूव द पिन पी क्यू आर एंड एस वन बाय वन एंड ड्रा द सर्किल अराउंड द पिन पॉइंट। Then what we will do? Join the points P and Q. Join the points P and Q. ठीक है ना? By a line. ठीक है ना? एक straight line से P and Q को क्या करने बेटा? आप join कर दें और ऐसा join करें that PQ, P and Q meet at the surface AB. इस AB surface के at the point O. O पर meet करता है. That means उसे draw a line joining to P and Q till the
ओ, ओ तक लेकर चले आए जब आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना, जो ए बी को मिटा, बाउंड्री ए बी को क्या कर दे, टच कर दे। ओके सर, इतना करने के बाद क्या करें, तो मैंने देखा जब मैं पी एन क्यू को बाई स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा था तो सरफेस ए बी को एट पॉइंट ओ टच कर रहा है। देन हम क्या करते हैं, देन हम एक बार और आर एंड एस को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे दैट इन फॉरवर्डिंग बैकवर्ड जब इसको पीछे की ओर हम क्या करते हैं बेटा बढ़ाते हैं, देन इट टच द सरफेस सी डी एट पॉइंट ओ डैश, ठीक है ना। आर एस को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद इतना बढ़ा दें पीछे की ओर कि SCD को किस पॉइंट पर टच कर दे, O डैश पर टच कर दे, ठीक है बेटा। ग्लास सरफेस, इस ग्लास स्लैब की CD को ये RS को जब मिलाएं तो O डैश पर टच कर दे। देन व्हाट वी विल डू बेटा, अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन द पॉइंट O एंड O डैश, अब हम O एंड O डैश को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल। ओके बेटा हमने ज्वाइन कर दिया, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस O पॉइंट पर एक क्या ले लेते हैं बेटा, देयर इज अ नॉर्मल ड्रा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड NN डैश, एंड आल्सो सेम थिंग डन, एक सेम चीज हम वही करेंगे इस O डैश पॉइंट पर भी, ऐसे 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 एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे MM डैश। ओके बेटा हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, देन ओ पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रा किया एंड किस पॉइंट पर बेटा, ओ डैश पॉइंट पर भी हमने एक नॉर्मल क्या कर ली, ड्रा कर ली। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या चीज करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज, ये जो हमारा पी ओ है जैसे आप देख पा रहे हैं, एज यू सी इन दैट दिस पी ओ, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के फॉरवर्ड करेंगे टिल टी, ठीक है ना, दैट पी ओ फॉरवर्ड टिल ओ टी, ओ टी तक हमने उसको सेम डायरेक्शन में क्या कर लिया बेटा, फॉरवर्ड कर लिया। ओके बेटा एंड नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये ओ डैश से एल तक, देयर इज अनदर परपेंडिकुलर ओ डैश से कहां तक बेटा, एल तक, ठीक है ना, किस लाइन पर, ओ टी पर, देयर इज ओ डैश एल अ परपेंडिकुलर ऑन द ओ टी, ओ टी पर हमने एक ओ एल डैश मतलब कि ओ डैश एल क्या कर लिया बेटा, ड्रा कर लिया। नाउ दो तीन काम हमारे पास और हैं, व्हाट वी विल डू, एंगल पी ओ एन, इफ यू ट्राइंग टू शूट एंगल पी ओ एन, हम इस एंगल को मेजर करेंगे, एंगल पी ओ किसको बेटा, एन को, और हम किसको मेजर करेंगे, हम एंगल मेजर करेंगे बेटा एन डैश ओ, एन डैश ओ ओ डैश, एन डैश एन डैश ओ ओ डैश, यानी इस एंगल को हम मेजर करेंगे, एन डैश ओ ओ डैश, और एक एंगल को हम मेजर करेंगे, और कौन से एंगल को हम मेजर करेंगे, ओ ओ डैश एम को, ट्राइंगल डैश टू ओ ओ डैश एम को बेटा, ओ ओ डैश एम को, दैट इज कॉल्ड आई टू, दिस इज आई टू, दिस इज आर वन, दिस इज आई वन। ओके एक एंगल को और मेजर करेंगे, कौन सा एंगल को हम मेजर करेंगे बेटा, एक एम डैश ओ डैश एंड एस डैश को मेजर कर लेते हैं, That is R2। इतने एंगल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, मेजर कर लेते हैं। अब इतने एंगल्स को मेजर करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन लेंगे बेटा, देयर इज सम कंक्लूजन ड्रा आउट फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस, दिस एक्टिविटी, हम इन दोनों एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों एक्टिविटी के थ्रू, या फिर इस एक्टिविटी को भी ले लें, हम इन वन टू एंड थ्री, थ्री फिगर्स के थ्रू हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जिससे हमको कुछ वर्ड्स मिलेंगी, ठीक है ना। उन कंक्लूजन को निकालने में हमें कुछ वर्ड यूज करनी पड़ेंगी, कुछ फैमिलियर वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जिनका रिलेशन है किससे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। कुछ देखिए, हम इन तीनों से कुछ कंक्लूजन निकालें, इससे इससे इनसे, इन तीनों फिगर से कुछ कंक्लूजन निकालें, उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेट करती हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, हमें सबसे पहले उन वर्ड्स को जानना बहुत क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए वो वर्ड्स कौन सी हैं, बहुत ईजिली उन वर्ड्स को हम सीखेंगे, वो वर्ड्स हैं कौन सी, सबसे पहले आप देख लें इंसिडेंट रे, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, मैं यहां लिख दूं चाहे कहिए तो, टर्म्स टर्म्स एसोसिएट विथ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड उनको हमको समझना है। सबसे पहले हम लोग को समझना है क्या चीज बेटा, इंसिडेंट रे को समझना है सबसे पहले। व्हाट इज इंसिडेंट रे, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंसिडेंट रे। एक्चुअली ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अनदर मीडियम, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अनदर मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे।
व्हाट इज ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स एन अदर मीडियम। ओके, ये एक लाइट रे है बेटा जो ट्रेवल कर रही है अनादर मीडियम की ओर। ये हमारा अनादर मीडियम है, एक्चुअली ये ग्लास स्लैब है। ओके, एंड दिस इज फर्स्ट मीडियम, लेट्स कंसीडर दिस इज एयर। ओके, सो ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अनादर मीडियम, ये अनादर मीडियम की ओर जा रही है। अनादर मीडियम कौन, हमारा ग्लास स्लैब, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है। सो द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अनादर मीडियम, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। व्हाट इज बेटा, इंसिडेंट रे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू कैन अंडरस्टूड दिस इज इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अनादर मीडियम, ये वाली जो लाइट रे है वो इस मीडियम की ओर आ रही है, सो दैट इट इज इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट, द पॉइंट, दिस पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स, वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स अनादर ऑप्टिकल मीडियम। द पॉइंट, ये एक पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंस रे स्ट्राइक करती है और ये पॉइंट किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम पर हो, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। व्हाट वी विल सी, द पॉइंट वेयर एन इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स अनदर ऑप्टिकल मीडियम, द पॉइंट वेयर इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स अनदर ऑप्टिकल मीडियम, वो अनदर ऑप्टिकल मीडियम कौन है, ग्लास स्लैब, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर एनएन डैश, अ परपेंडिकुलर एमएम डैश ड्रॉन, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। एक ऐसी परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा की जाए उसे नॉर्मल बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर तो सरफेस के ही होगा, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एनएन डैश एंड एमएम डैश इज कॉल्ड नॉर्मल। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंस रे विथ द नॉर्मल, द एंगल मेड बाय इंसिडेंस रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके बेटा, नाउ हेयर इज टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई वन एट द सर्फेस ए बी एंड एंगल आई टू एट द सर्फेस सी डी। नाउ रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे, ए रे ऑफ लाइट विच डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ ऑन एंटरिंग द अनदर ऑप्टिकल मीडियम। ये एक लाइट रे बेटा, ये डेविएट हो गई अपने पाथ से, इसका पाथ ये था, और कब डेविएट हुई, ऑन एंटरिंग द अनदर मीडियम, जब वो अनदर मीडियम एंटरिंग कर रही है। दिस इज कॉल्ड ओ ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे, ए रे ऑफ लाइट विच डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ए रे ऑफ लाइट विच डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ ऑन एंटरिंग द अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल
आर वन मेड बाई द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल दैट इज आर वन द एंगल विच मेड बाई द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टर. ये देखें ये भी रिफ्रैक्टेड रे एक तरीके से है क्योंकि ये भी डेविएट हो गई है अपने इनिशियल पाथ से. ये भी एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे ना कहें अभी आप इसको रिफ्रैक्टेड बस इसी को माने यही अनादर मीडियम है. द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल आर वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ इमर्जेंट रे इमर्जेंट रे वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज इमर्जेंट रे? ए रे ऑफ लाइट विच इमर्स आउट फ्रॉम अनदर ऑप्टिकल मीडियम इनटू ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. द रे ऑफ लाइट आर एस विच इमर्स आउट जो बाहर निकल आया फ्रॉम अनदर ऑप्टिकल मीडियम किसी अनदर ऑप्टिकल कहां से मीडियम से और बाहर निकलकर कैसे मीडियम में आया इन द ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम में ओरिजिनल मतलब जहां से चला था ओरिजिन जहां से हुई थी ओरिजिन कहां से हुई थी पहले मीडियम से. पहला मीडियम है क्या एयर और इमर्ज कहां हुआ एयर में. तो किस मीडियम में ये इमर्ज हो रहा है ओरिजिनल मीडियम में जहां से स्टार्ट हुई थी रे की ऐसी रेस को इमर्जेंट रेस बोलते हैं. द रे ऑफ लाइट विच इमर्ज आउट जो बाहर आ गया कहां से फ्रॉम अनदर ऑप्टिकल मीडियम किसी अदर ऑप्टिकल मीडियम से और कहां बाहर आया इन द ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम ओरिजिनल मीन्स फ्रॉम वेयर स्टार्टिंग जहां से स्टार्टिंग किया था कहां से स्टार्टिंग किया था एयर से निकल के भी कहां आया एयर में. दिस टाइप रेस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. हमेशा याद रखिएगा एयर से चले तो जो एयर में निकले वाटर से चले तो वाटर में निकले. द रे ऑफ लाइट विच इमर्स आउट फ्रॉम द अनदर ऑप्टिकल मीडियम ये अनदर ऑप्टिकल मीडियम है इसका ये सेम ये भी एयर लेकिन ये एयर नहीं है ये ग्लास है. द रे ऑफ लाइट विच इमर्स आउट फ्रॉम द अनदर ऑप्टिकल मीडियम इन टू द ओरिजिनल ऑप्टिकल मीडियम दिस इज एयर दिस टाइप ऑफ रे इज कॉल्ड आर एस इमर्जेंट रे. नाउ एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो द एंगल दैट इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल आर टू द एंगल दैट इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंड एक कंडीशन है ये इमर्जेंट रे या एंगल ऑफ इमर्जेंस हम इन सब का यूज कब कर सकते हैं किन कंडीशंस पे किन सिचुएशंस में. एक्चुअली इमर्जेंट टर्म का हम यूज केवल तब कर सकते हैं जब टोटल रिफ्रैक्शन इसी ग्लास स्लैब में हो जाए और पूरे में रिफ्रैक्शन ही हो रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई है ऐसा ना हो कि दाएं बाएं ऐसे झिलमिलाहट रहे एकदम क्लियर लाइट ऐसे आ जाए और फिर टोटल ऐसे बाहर निकल जाए तब हम इमर्जेंट शब्द का यूज करेंगे. लाइट आई पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट हो और फिर पूरी तरीके से बाहर आ जाए टोटल 100% आई. अगर ये 100% कोई रे आई है तो 100% जैसे कभी कभी क्या होता मान लीजिए 100 रेज आई एंड यहां पर 90 रेज ये हुई मतलब 100 रेज आई और जब बाहर निकली तो केवल 90 रेज तो 10 रेज कहां गई अंदर कहीं इधर उधर तो इसको इमर्जेंट बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है. जब टोटल 100 रेज आई 100 रेज रिफ्रैक्ट हो और 100 रेज कहां आ जाए बाहर आ जाए तब हमको ये इमर्जेंस समझ में आती है. नाउ
अब एक चीज और है, क्या चीज, कि अगर हम एक बहुत ध्यान दीजिएगा व्हाट इज, अगर हम ये माने कि रिफ्रैक्शन केवल सरफेस एबी पर हो रहा है, इफ वी कंसीडर व्हाट दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ओनली ऑन द एबी, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली ऑन द एबी, केवल एबी पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहां नहीं हो रहा है, देयर इज ओनली वन सरफेस, देन पी क्यू इज इंसिडेंट रे, ओ ओ डैश रिफ्रैक्टेड रे, पी ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ डैश ओ एन डैश यानी आर वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन एन डैश नॉर्मल, ओके। एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि अगर हम ये एज्यूम कर ले कि रिफ्रैक्शन केवल सीडी पर हो रहा है, इफ वी एज्यूम दैट रिफ्रैक्शन इज ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस सीडी, केवल सीडी पर हो रहा है, केवल सीडी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट ये है ओ डैश, देन ओ ओ डैश इंसिडेंस हुई एंड ओ डैश एस इमर्ज हो गई, सो दिस इज इंसिडेंट रे, अगर केवल सीडी पर रिफ्रैक्शन को माने तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड एम ओ डैश ओ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू एंड एस ओ डैश एम डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर एम ओ डैश ओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एम डैश ओ डैश एस डैश, एक ही बात है, नाम चाहे जैसे लिखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर केवल सी डी पर के, अगर ए बी पर रिफ्रैक्शन है तो ये इंसिडेंस ये रिफ्रैक्शन, मतलब अगर ए बी पर रिफ्रैक्शन है तो पी क्यू इंसिडेंस एंड ओ ओ डैश, या पी ओ इंसिडेंस एंड ओ ओ डैश रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे। अगर सी डी पर रिफ्रैक्शन हो तो ओ ओ डैश इंसिडेंस रे एंड ओ एस या ओ डैश एस रिफ्रैक्टेड। ओके, आप एक चीज मानते हैं कि जरा सा कोशिश करिएगा, अगर आप एंगल पी ओ एन को मेजर करें एंड एंगल एस ओ डैश एम डैश को मेजर करें, इस एंगल को मेजर करें एंड इस एंगल को मेजर करें, तो आपको मिलेगा आर वन इज इक्वल टू R2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप चाहें तो इसको I से दिखाएं और इसको E से दिखाएं, आप पाएंगे दोनों इक्वल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो 100% पी क्यू एंड आर एस पैरेलल होंगी, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इट इंप्लाइज दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे। कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे वो इसके इक्वल हो जाएगा, हम आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जब ये प्रूफ हो जाएगा कि I इज इक्वल टू क्या बेटा E, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी इसको प्रूफ करना, ठीक है, प्रूफ कर देंगे आपको, या अभी इसी वक्त चाहते हैं प्रूफ कर दे, नहीं चलिए इसी वक्त प्रूफ कर देते हैं कि दोनों कैसे क्या है इक्वल है।
हो जाएगा, करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और फिगर गड़बड़ हो जाएगा अगर करवाऊंगा, ठीक है, मैं किसी अदर वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो बस आप जान जाएं कि अगर ये आई ई के इक्वल होगा तो ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, मतलब नहीं मानेंगे, करके ही दम लेंगे। चलो अब कर डालो, कर ही डालो तुम लोग, देख लें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि इफ़ आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई का मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग मेजर करके पाएंगे कि आई वन इज इक्वल टू क्या बेटा, आर टू, ठीक है। तो आई वन इज इक्वल टू आर टू, आई वन इज इक्वल टू क्या, आर टू। ये पता नहीं क्या हो गया, इसको पता किसने लिख दिया था, ये चीज, क्या चीज, कि I1 इज इक्वल टू क्या बेटा, R2, यानी कि एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या है, E। ऐसी कंडीशन में ये जो रे होगी, इस रे की कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो आपको दिखा देते हैं कैसे, यहां देखें, I इज इक्वल टू E के लिए बात कर रहा हूं, ये देखें कैसे, ए फटाक से देखें, ये रे आई है, इंसिडेंट रे I, R, इनको आगे बढ़ा दें, ये भी R, एंड ये E, इनको पीछे बढ़ा दें। अब आपको प्रूफ क्या करना है, मैंने कहा I इज इक्वल टू E, तो प्रूफ करें कि ये रे इस रे की कैसी है, पैरेलल है, तो हो जाएगी प्रूफ। मैंने इन्हीं को जो है क्या किया, बैकवर्ड बढ़ाया, और इसमें इनको क्या बढ़ाया, फॉरवर्ड। अब देखें अगर ये I है, ठीक है, तो आप देखिए वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना होगा, I होगा, वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना होगा बेटा, I होगा। और अगर ये E है तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी पूरा कितना होगा, E होगा, ठीक है ना। और आप देख चुके हैं I इज इक्वल टू क्या, E, तो ये कितना बचा, ये बचा क्या, I माइनस R, ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये बचा E माइनस आर। तो चूंकि R दोनों साइड इक्वल है भाई, R दोनों साइड इक्वल, मैंने माइनस कर दिया, I E के बराबर है ही है, I E के बराबर है, और ये भी पूरा I ही है, और ये भी पूरा E ही है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो जब ये पूरा E, ये पूरा I, तो I इज इक्वल टू E था, मैंने दोनों में से इक्वल R घटा दिया, तो ये वाला बच्चा हमारा I माइनस R। तो जब ये दोनों इक्वल, आर आर बराबर बराबर घटाया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इक्वल आएगा, यानी ये हमारा आई माइनस आर इज इक्वल टू यहाँ हमारे ई माइनस आर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब आई बराबर ई और आर आर इक्वल माइनस के, तो आई माइनस आर बराबर ई माइनस आर, तो यही है आई माइनस आर, ये बराबर है किसके, ई माइनस आर के। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ तो अल्टरनेट एंगल ही तो हुआ ये, और अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये इसके कैसे हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है ना। यानी हमारा इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के कैसे हो गया, पैरेलल हो गया। समझ गए होंगे अब आप इस चीज़ को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़, ज़रा कुछ कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है ना, कुछ कंक्लूजन लेते हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना, ग्लास स्लैब से जो क्या हुआ है रिफ्रैक्शन, उससे जरा हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। वॉट इज दैट कंक्लूजन, ट्राइंग टू अंडरस्टूड वट इज दैट कंक्लूजन। फर्स्ट कंसीडर द इंसिडेंट रे पीओ ट्रैवलिंग इन एयर। आप देख लें जो पीओ है, पीओ ट्रैवलिंग इन एयर, ये एयर में क्या कर रही है बेटा, ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। एंड आप जानते हैं कि एयर जो है एक रेयर मीडियम है, एक सिंपल मीडियम है, मतलब कि रेयर का मतलब एक विरल माध्यम है, रेयर, ठीक है ना, एयर एक रेयर मीडियम है, ठीक है ना। और पी ओ इसमें इंसिडेंट्स क्या है बेटा, रे है। अब हम आपसे ये कहेंगे, अगर हम कंसीडर कर लें कि देयर इज नो एनी ग्लास स्लैब हियर, कि यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब नहीं है, देयर इज नो एनी ग्लास स्लैब हियर, यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब नहीं, अगर कंसीडर कर लें कि कोई क्या नहीं है बेटा, ग्लास स्लैब नहीं है। अगर नो ग्लास स्लैब, मैं बता दूं दिस पी ओ रे कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू चली जाएगी कहाँ तक, टी तक, ठीक है ना, दैट्स नॉट डेविएटेड, तब ये डेविएट नहीं होगी, और डेविएट नहीं होगी तो कभी भी ये ओ डैश के डायरेक्शन में नहीं आएगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर नहीं आएगी। कब ये नॉर्मल की ओर तब नहीं आएगी, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ये पीओ रे कंटिन्यूटी कहां चली जाती, ओटी चली जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आपसे क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये निकला कि सर ये कंटिन्यू ओटी इसलिए नहीं गई क्योंकि यहां पर ग्लास स्लैब रखा था, मतलब ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब इज अ डेंसर मीडियम, व्हिच टाइप मीडियम, डेंसर मीडियम,
ओके सघन है, यानी कि जो डेंसर मीडियम है उसने इस रे को, इंसिडेंस रे को डेविएट कर दिया टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर उसने इसको क्या कर दिया बेटा, डेविएट कर दिया, ठीक है ना। यानी अलॉन्ग क्या, पी ओ रेस डेविएट अलॉन्ग ओ ओ डैश, यानी टुवर्ड्स क्या, नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या हो गई, डेविएट हो गई। जब वो एयर से किस में आई, ग्लास स्लैब में आई, यानी रेयर मीडियम से किस मीडियम में आई है, डेंसर मीडियम में आई है, ठीक है ना। यानी मैं आपसे एक चीज क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा जब ये रे जो हमारी है, जो पीओ रे है, जब डेविएट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है सरफेस एबी पर, एट द सरफेस एबी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन आर वन। यानी जो हमारा आई वन है बेटा, ये इस फर्स्ट सरफेस पर ए बी के लिए जो हमारा आई वन है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, आर टू है, मतलब ग्रेटर देन क्या है, आर वन है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है किससे, एंगल ऑफ किससे, रिफ्रैक्शन से, ठीक है ना। यानी हम एक तरीके से क्या चीज़ कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन निकला सरफेस किसके लिए, ए बी के लिए, जब हम रेयर से डेंसर में जा रहे थे कि रे डेविएट हो गई किसकी ओर, नॉर्मल की ओर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ किससे बेटा, रिफ्रैक्शन से। यानी हम कह सकते हैं कि एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली, तिरछा, एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली इन एन ऑप्टिकल मीडियम एनी रे ऑफ लाइट पी ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली, तिरछा ट्रैवल कर रहा है इन एनी ऑप्टिकल मीडियम, वो ऑप्टिकल मीडियम इस बार हमारा कौन है बेटा, रेयर है, ठीक है ना। यानी एनी रे ऑफ लाइट पीओ ट्रैवलिंग ऑप्टिकली रेयर मीडियम जब रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है ऑन पासिंग थ्रू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या कर रही है बेटा, एंट्री ले रही है, ऑन पासिंग थ्रू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऑन पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, ठीक है ना। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, किस नॉर्मल की ओर, नॉर्मल जो ड्रान है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींचा गया है उसी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, समझ सके। ऐसा तब होता है जब कोई रे एयर यानी रेयर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रखी है, ठीक है ना। फर्दर मोर आई वॉन्ट टू से टू यू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल है तो वो लेसर होगा, कम होगा कंपेरिजन में किसकी, रेयर मीडियम में एंगल ऑफ किससे, इंसिडेंस से, समझ सके इस चीज को। अब हम आपसे यहां पर सेकेंडरी चर्चा क्या करते हैं, अब ये देखें, कंसीडर कर लें कि जो है हमारा ओओ डैश, अब बहुत ध्यान से देखें, दिस इज द रे ओओ डैश जो है, हम अगर कह दें यही इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, यही हमारा कौन सा रे है भैया, इंसिडेंस रे है ओओ डैश, वो भी ग्लास स्लैब में हमारा ओओ डैश इंसिडेंस रे है, ठीक है ना। यानी कि किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। देन आई वॉन्ट टू से कि जब ये रे ओओ डैश इमर्स आउट होगी कहां इमर्स आउट होगी बेटा, इमर्स आउट इन द एयर, एयर में इमर्ज आउट होगी, यही हमारी जो ओओ डैश, अगर इसको इंसिडेंस रे ले, जो डेंसर मीडियम में ग्लास स्लैब में इंसिडेंस रे, मान लीजिए यही रे यहां पर आई है एट द सरफेस ऑफ सीडी, जब ये इमर्ज आउट हो रही है एयर में, एयर जो कि एक कौन सा मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, ठीक है ना। यानी जब इमर्ज आउट हो रही है, देन व्हाट आई एम सेइंग, लाइट रे इंसिडेंट एट पॉइंट ओ डैश, ये ओ डैश पॉइंट पर क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंस हो रही है, एंड ट्रैवल अलोंग, और जब वो इमर्ज आउट हुई तो ट्रैवल कर गई ओ डैश एस पाथ पर, ओ डैश किस पाथ पर, एस पाथ पर। अगर आप इसको कोशिश करें समझने की, दैट दिस रे इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट पॉइंट ओ डैश एट द सरफेस सीडी इमर्स आउट अलोंग द ओ डैश एस टाइप दैट्स इट्स मूव अवे, ये थोड़ा दूर चली गई, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ डैश के पॉइंट से थोड़ा ये दूर चली गई, ठीक है ना। यानी हमने क्या देखा, यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस इस पॉइंट ओ डैश पर, तो जब ये इमर्ज आउट हुई, ठीक है ना, तो ये हुई क्या, ये बेंड्स अवे, ये थोड़ा दूर चली गई किससे, नॉर्मल से चली गई, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं, अगर आप देखें कि अगर ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली गई, तो कह सकता हूं कि जो आई टू है हमारा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर फ्रॉम द आर टू, यानी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन कब, जब लाइट रे डेंसर से किस मीडियम में गई, रेयर मीडियम में गई, तो जो कंक्लूजन निकला, एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली इन एनी
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है बेटा, ट्रेवल कर रही है, ऑन पासिंग थ्रू रेयर मीडियम, ऑन पासिंग थ्रू रेयर मीडियम, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो थोड़ा दूर चली जाती है, यानी लाइट रे जब डेंसर से किस मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तो अपने पाथ से कैसे दूर जाती है, मिस नॉर्मल से डेविएट हो जाती है दूर की ओर, लेकिन जब डेंसर से कहाँ जाती है, रेयर में जाती है। फर्दर मोर यू कैन से व्हाट इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू Any ray of light, O dash traveling obliquely, optically, denser medium, on passing through rare medium, it bends away from the normal. यानी जब कोई प्रकाश की किरण, कोई light ray, denser से rare medium में जाती है, ठीक है ना, तो होता क्या चीज़ है, ये normal से थोड़ा दूर क्या हो जाती है, bent हो जाती है, यानी angle of incidence less रह जाता है, angle of किससे बेटा, रिफ्रैक्शन से। यानी दो सबसे जो बिगेस्ट हमारे कंक्लूजन निकले वो ये है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंट होती है, और अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंट हो जाती है, ठीक है ना, ये बातें हो गई। एंड थर्ड मैं आपसे जो कंक्लूजन करना चाहूँगा वो ये है बेटा, क्या कि आप इमेजिन कर लें एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट द एन एन डैश और एम एम डैश, कोई लाइट रे है वो सीधे एन एन डैश एंड एम एम डैश पर आती है, दैट मीन टू से परपेंडिकुलर द सरफेस, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये कहे कि सेपरेशन सरफेस से परपेंडिकुलर कोई रे आ जाए, मतलब बिल्कुल इसी पाथ पर आ जाए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो बेटा क्या चीज कहते हैं यहां से माप से कि एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एन एन डैश, इसी पाथ पर आ जाए, एन एन डैश आर एम एम डैश, ठीक है, अगर ऐसा होता है बेटा, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं सच दैट इट मीट्स द सेपरेशन सरफेस, ये सेपरेशन सरफेस से 90 डिग्री पर मीट करे, जो लाइट रे ऐसे आएगी वो सेपरेशन सरफेस पर कितनी डिग्री पर मीट करेगी, 90 डिग्री पर मीट करती है, ठीक है ना, तो हम आपसे क्या चीज कहेंगे, इस कंडीशन में लाइट रे इधर से आ रही है बिल्कुल इसी पर आएगी तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बेटा, जीरो होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा मैं आपसे क्या कहूंगा, उस कंडीशन में होगा क्या, लाइट रे डेविएट होगी ही नहीं, बिल्कुल नो फेसेस डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, नो सफर्स डेविएशन, सीधे ऐसे आएगी और वैसे ही बिल्कुल चुपचाप चली जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना, यानी हम कहते हैं कि लाइट डज नॉट सफर्स एनी, लाइट रे डज नॉट सफर्स एनी डेविएशन, ठीक है ना, अपने उसी पाथ पर बिल्कुल चुपचाप चली जाएगी, ठीक है ना, यानी हम आपसे कह सकते हैं एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल मीडियम्स, एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन, एनी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी लाइट की रे इस सेपरेशन के सरफेस पर जो है ऑप्टिकली सेपरेशन में अगर यहां पर इंसिडेंस मतलब कि स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, वो भी परपेंडिकुलर नॉर्मली, तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी टोटल जो स्टेटमेंट बना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ऑप्टिकली मीडिया, ठीक है ना, एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली टू मीडिया, दो ऑप्टिकल मीडियम के सरफेस पर अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंस होती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, देन इट डज नॉट सफर्स एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता, बिल्कुल सीधे चुपचाप स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाती है बेटा, निकल जाती है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उस समय जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कितना होंगे बेटा, जीरो होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग अगले दिन या अगले वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको इसको बहुत जल्द मैं बताऊंगा, हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे क्या, हमारा स्टडी अगली वीडियोस में होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा हम लोग इसी वीडियो में लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ट्राइंग टू अंडरस्टूड व्हाट इज दैट, आप देखिए जो इंसिडेंट रे हमारा पीओ है, इंसिडेंस रे जो पीओ है, एक्चुअली इसको कंटिन्यू होना था ओटी, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के कारण दिस इंसिडेंस रे पीओ डिस्प्लेस्ड, थोड़ी पीछे आ गई, ऐसे ना गई बल्कि ऐसे हो गई, डिस्प्लेस हो गई, एंड इमर्ज अलोंग ओ डैश एस,
इस ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के रीजन से जो इंसिडेंस रे पीओ है वो डिस्प्लेस्ड हो गई पीछे एंड इमर्ज हुई ओ डैश एस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये जो लेटरल शिफ्ट है, ये जो पीछे आ जाना है लेटरल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब के कारण हुआ और ये यहां से रे बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। ये था बेटा मेरा ओरिजिनल पाथ, मैं पीछे शिफ्ट हो गया ऑन इमर्जिंग। दिस डिस्प्लेसमेंट ओ डैश एल, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, दिस डिस्प्लेसमेंट ये जो बैकवर्ड शिफ्ट है आपका, दिस परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द इंसिडेंट रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाई ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब के कारण इस इंसिडेंस रे में जो परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये पीछे आना। देख लें ये रे ऐसी थी एंड ड्यू टू ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन दिस परपेंडिकुलर शिफ्ट इन बैकवर्ड, ये जो पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? द परपेंडिकुलर शिफ्ट पीछे की ओर भाग जाना, द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द इंसिडेंस रे वाइल इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे, द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे वाइल इमर्जिंग आउट, जब बाहर निकल रहा है फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर शिफ्ट पीछे की ओर भागाना किसका, द परपेंडिकुलर शिफ्ट पीछे की ओर भागाना किसका, इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे ऑन इमर्जिंग आउट, बाहर निकलने पर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जब ये इंसिडेंस रे बाहर निकलने पर इस ग्लास स्लैब से पीछे भाग आती है, दिस परपेंडिकुलर शिफ्ट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर शिफ्ट ओएल, द परपेंडिकुलर शिफ्ट ओएल इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे, इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे ऑन इमर्जिंग आउट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आप कुछ बता दें, एज वेल एज यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये साइज में बढ़ जाएगा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करोगे। अगर आप इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को और ज्यादा थिक करोगे तो भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप इस ग्लास स्लैब की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कड़ापन, सघनता, तो भी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा।